हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, फ्रेंड हो, एक्स हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, उनके तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं। ओके, सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें हो सकते रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ हो सकते नहीं करेंगी। ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पर्सनलाइज रीडिंग। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए गाइस। अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स बंद हैं, क्लोज्ड हैं। एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स और टैरो क्लासेस के लिए जो है बुकिंग्स ओपन हैं, ठीक है, एनरोलमेंट ओपन है, सब उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स जो है वो बंद है। मैं अभी के लिए पेड पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अभी थोड़ा मेरा बिजी टाइम चल रहा है। सो येस, बाकी डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए डेली गाइडेंस के लिए, डेली रीडिंग्स के लिए और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ओके, और अगर आपको नेम चूज़ नहीं करना है तो आप कार्ड के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXVY है तो आपको ग्रुप वन या पार्ट वन चूज़ करना है। ग्रुप वन के लिए हमारे पास ये वाला कार्ड है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIKLNQSUWHZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप टू या पाइल टू चूज़ करना है। ग्रुप टू के लिए हमारे पास ये वाला कार्ड है। ओके, सो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या है, ठीक है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXVY है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके रिश्ते को लेकर क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो कार्ड है ये मैं एंड में देखूंगी, सबसे पहले हम टैरो कार्ड की मदद से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have King of Cups. Okay. We have Five of Swords. Okay. We have the Moon. We have Nine of Coins. Okay. We have the Star in reverse. Knight of Coins. Bottom of the deck we have Justice. Okay. So
सो गाइज यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न और फायर साइन में लियो एंड सजिटेरियस। ओके सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको लेकर फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको शो करते हैं और मुझे लग रहा है कि वो शो बहुत ज़्यादा हद तक करते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता या फिर उनके अंदर इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है। ओके बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जेन्युइन तरीके से आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और उनको एक विश्वास है कि शायद आपके साथ जो है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो करंट फीलिंग्स मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर का जो प्यार है आपके लिए वो वहीं पर है, यानी कि वो कहीं नहीं गया है। सो ये इंसान मूव ऑन करने के मोड पर नहीं है। मुझे लगा है कि ये करंटली कुछ डिसीजंस बना रहे हैं अपने लाइफ में, जिसके वजह से वो अपने लाइफ में इस वक्त ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और वो अपने रिलेशनशिप को यानी कि आपके साथ जो भी है उनका, चाहे मैरिज हो रिलेशनशिप हो, उस चीज़ को थोड़ा साइड में रख रहे हैं। यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं नहीं जा रहा है, इनका प्यार कहीं नहीं जा रहा है, तो अभी कुछ और चीज़ में इन्वेस्ट हम कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर प्यार बहुत है, इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से कंटिन्यू होने देते हैं, चीज़ों को लेकर ज़्यादा ना खींचातानी नहीं करते। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान कुछ करना चाहते हैं आगे आने वाले वक्त पर आपके साथ ही, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप में थे या हो तो सबसे शादी करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि उससे पहले ये ना खुद कुछ करें, ठीक है, खुद का कुछ हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या फिर हो सकते हैं कुछ ड्रीम गोल्स हो जो इनको लगता है कि इनको सबसे पहले उन चीज़ों में फोकस करके टाइम लगाकर पूरे करने चाहिए। सो ऐसा इस पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन एक स्टूडेंट भी हो कुछ लोगों के लिए, तो जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं करेंटली, बट स्टिल देन अपने लाइफ में भी थोड़ा सा फोकस करने की इंसान पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके एंड द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार इन रिवर्स, देखिए इस पर्सन की हीलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, ठीक है, या फिर सेपरेशन हो चुका है, किसी बात पे लड़ाइयाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे यहाँ नज़र आता है कि ये इंसान ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली याद करते हैं, और जब याद करने लगते हैं ना, जब इनको बहुत मन होता है कि आपके पास आकर चीज़ों को ठीक करें, टाइम इन्वेस्ट करें, तब उनको ऐसा लगता है कि नहीं सब खराब हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। तो करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि प्यार से बहुत याद कर रहे हैं आपको, लेकिन हाँ होपलेस हो गए हैं सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इनको लगता है कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, चाहिए कितना भी बात करने आ जाए, चाहिए ठीक करने आ जाए, और उनको ऐसा लगता है कि ठीक करना सही भी नहीं होगा। ओके पेशेंस रखना ही सही है, कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही चल रही है, थोड़े से दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी दुखी एनर्जी है, पास्ट को ना लेट गो नहीं कर पा रहे। अगर आप दोनों के पास्ट के बीच की कुछ मेमोरीज खराब रही है उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को फर्गिव नहीं कर पा रहे हैं, ना खुद को माफ़ कर पा रहे अगर उन्होंने गलतियाँ की, और सिचुएशन को लेकर होपलेस हो गए हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अभी अगर वो बात करने आएंगे या ठीक करने आएंगे, कमिटमेंट देने आएंगे, तो कुछ चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी। तो मन में एक डर भी है और थोड़ी सी होपलेस वाली एनर्जी है कि शायद कुछ नहीं होगा। मतलब होता है ना कि इंसान एनर्जी उसका कम हो जाता है, मतलब उसको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर सकता है लाइफ में, तो वैसे वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। उनको वो ना आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, उन कॉन्टैक्ट में हो, तो वो सोचते हैं। ओके देखिए विद द मून एंड द नाइट ऑफ कॉइंस, वो सोचते हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है। मुझे लगता है कि हर एक दिन अगर नो कॉन्टैक्ट में हूँ आप लोग, पूरे दिन में एक से दो बार इनको ख्याल आता है कि इनको आपको एक कॉल लगा लेना चाहिए, इनको आपको एक टेक्स्ट कर देना चाहिए। और मुझे दिखता है कि इंसान ट्राई भी करते हैं ज़्यादातर रात में, मुझे एनर्जीज आ रही है कि रात में ये ट्राई करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो गट्स नहीं है, ठीक है, कि आपको कॉल या मैसेज करें। ओके तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये सोचते बहुत आपके तरफ आने का, रोज़ सोचते हैं मुझे एनर्जीज आ रही है, लेकिन सिचुएशन को लेकर ना होपफुल है, पास्ट की बातें इनको बार बार याद आती है, और उनको ऐसा लगता है कि आप इतना चीज़ मतलब इतना जो कनेक्शन में जो चीज़ें खिंच गई है ना, जो नेगेटिव चीज़ें जो बढ़ चुकी है ना, वो शायद ही ख़त्म होगी, और हमारे करने से या ना करने से वो कुछ बदलेगा नहीं, ऐसा इस पर्सन को ना करेंटली लग रहा है, ठीक है। ये करंट फीलिंग्स है। तो करेंटली मुझे दिखता है कि ये इंसान हो सकता है आपको स्टॉक भी करते हों, दूर से आपको देखते हों, लेकिन उनको ना क्लैरिटी नहीं मिल पाती, उनके मन में ना फियर बना रहता है कि पता नहीं आप क्या फील कर रहे हो, आपके घर में क्या सीन चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अनक्लियर महसूस करते हैं आपके साथ, इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में ये जान ही नहीं पा रहे, आपको ये समझ ही नहीं पा रहे, आप क्या चाहते हो वो समझ नहीं पा रहे। हो सकता है ये इंसान इग्वेस्टिक हो सकता है इस पर्सन को डर है कि अगर इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया और आपने इन्हें इग्नोर कर दिया या फिर कुछ गलत सुना दिया,
तो हो सकता है वो सारी चीज़ों को ये इंसान बियर नहीं करना चाहते हो। तो जो भी चीज़ें मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि रोज़ सोचते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, लेकिन रुक जाते हैं इन सारी फियर्स की वजह से, और क्योंकि ये लेट गो नहीं कर पा रहे, डाउट नहीं कर पा, मतलब डाउट करते रहते हैं, और मतलब ना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे करंटली आपकी सिचुएशन को लो, जिसकी वजह से ना ये बहुत चाहते हैं लेकिन ये चाहकर भी आपको ना वापस नहीं पा पा रहे हैं, या फिर आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके मन में करंटली चाहत बहुत है, ठीक है, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से है ना जस्टिस आया है। जस्टिस आप दोनों ही चाहते हैं सिचुएशन में, कहीं ना कहीं आप दोनों ही बैलेंस चाहते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल चाहता है कि आप दोनों को एक और चांस, एक और मौका मिलना चाहिए इस रिश्ते में, भले ही कुछ भी हो गया हो, लेकिन वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, और अगर आपने एफर्ट्स डाला है तब भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वर्कआउट नहीं कर पा रही है। सो करेंटली इस पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन करे तो क्या करे, बिकॉज इनके लाइफ में कुछ इनके ड्रीम्स गोल्स हैं जो इनको वो भी पूरा करने हैं, तो इनकी लाइफ थोड़ी सी अपसाइड डाउन में चल रही है, मतलब जो वो सोच चुके थे जो उनको करना था उससे थोड़ा हटकर उल्टा ही सब कुछ इनके लाइफ में करेंटली हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये इंसान थोड़े से निराशावादी हो चुके हैं हर एक चीज़ को लेकर, चाहे अपने करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, बाकी चीज़ों को लेकर हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है, तो जिसकी वजह से मन में इनके डर है कि पता नहीं ये जो अच्छा अच्छा सोचते हैं आपके रिश्ते को लेकर, ये जो अबंडेंस हैप्पीनेस चाहते हैं, ये जो चाहते हैं कि जो प्यारी आपसे करते हैं वो चीज़ें आपको फील भी करवाएं, वो शायद ही कभी पूरा होगा क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा था, इन्होंने एक सपना देखा था, और उनका लगता है कि ये जैसा सोचते हैं, ये जैसा ड्रीम करते हैं उसका अपोजिट ही होता है। तो करेंटली थोड़े से होपलेस एनर्जी में है, थोड़े से वुंडेड एनर्जी में है, थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है पेशेंस नंबर 16, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। देखिए डेफिनेटली ये पर्सन ना थोड़े से पेशेंट रहना चाहते हैं, ये ना ठहर रहे हैं, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर सेपरेशन आपका हो भी चुका है तो ये मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने, ना ये करना चाहते, ये पेशेंस रखना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जब तक इन्हें सब कुछ मिल नहीं जाता, जब तक इनको लगता नहीं कि हाँ ये सही में एक रिलेशनशिप, एक मैरिज अफोर्ड कर सकते हैं पूरी तरीके से, अपने आप में ये कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करते, तब तक ही आपको वेट करवाएंगे। तब तक हो सकता है कि आपसे बात ना करें, बात करेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रांग लेवल पर आगे नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज डेफिनेटली मुझे लगा है कि इस पर्सन को कुछ पावर्स, कुछ फाइनेंसेस या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके बाद ये चाहते हैं कि इनके लव लाइफ जो है ना आगे बढ़े, या फिर ये इन्वेस्ट करें अपने लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस्ड है ताकि जो है ना इनके पास एक पावर आए, ये इंडिपेंडेंट बने, ठीक है, ये ग्रो करे लाइफ में, तो ये ना सही वक्त का जो है वेट कर रहे हैं। इनका ऐसा लगता है कि अभी इनका वक्त नहीं आया है चीज़ों को अपने हाथ में ले लेगा चार्ज लेने का, ठीक है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके लिए ही वेट करते हैं, पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है कहीं ना कहीं, बट थोड़े बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है, जब भी इनको पास की बातें याद आती हैं, ठीक है, जब भी उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों अलग होते हो, ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो चलिए ये कार्ड में देख लेते हैं क्या है हमारे पास। बैलेंस लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो मुझे दिखता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर आप दोनों सकते एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, आप अपना देख लेते हो, वो अपना देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हो सकता है चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, जहाँ पर उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसे आप सपोर्ट करोगे, उसे आप समझोगे कि हाँ उनका भी सुनना चाहिए, उनको भी साथ देना चाहिए, और वैसा आपके पर्सन भी आपके लिए करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर लैक करती है कि आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है, और दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को या सिचुएशंस को समझने की कोशिश नहीं करते हो। आप कहते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बैलेंस आपके रिश्ते में बहुत जल्द आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से, बट स्टिल देन मुझे दिख रहा है प्यार बहुत ज़्यादा है, तो बैलेंस यहाँ पे चीज़ें होंगी डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी बहुत आ रही है कि आप दोनों हो सकते हैं प्रिटेंड करते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, बट आप दोनों सीरियस लेवल पर खुश नहीं हो, ठीक है, आपकी जो पर्सन है बिल्कुल खुश नहीं है, हालांकि वो शो करते होंगे कि वो खुश हैं। देखिए बहुत सारे लोग ना शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, जब वो दुखी होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ना डार्क एंड फेस से गुजरते हैं ना, तो ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो ऑनलाइन में पोस्ट वगैरह डालकर लोगों को बताते कि देखो मैं दुखी हूँ। जो इंसान सही में डिप्रेस्ड होता है, सीरियस लेवल पर जो है ना डार्क एनर्जीज में रहता है, उसको कभी भी वक्त नहीं मिलता शो ऑफ करने का या पोस्ट डालकर लोगों को बताने का, ढिंडोरा पीटने का कि हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हम तरस रहे हैं, इजंट इट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि साइलेंस में सफ़र करते हैं, तो वही है आपके पर्सन के साथ भी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ भी हो। तो आंखों के सामने जो देखे हमेशा वो सच नहीं होता। ऑनलाइन अगर आपको दिख रहा है कि वो खुश है, इंजॉय कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिल से इंजॉय कर रहे हो, ओके।
सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि प्रिटेंड कर करके जीते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, रैंडमली पिक कर लेते हैं। So we have, without you I feel so alone in life. Definitely आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेला अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। वो एनर्जी, वो enthusiasm इस पर्सन को आपके बगैर किसी और के साथ नहीं मिल पाता, चाहे इनके कितने भी फ्रेंड्स फैमिली क्यों ना हो। हम नमा मेरे, ठीक है। तो अगर अभी आप सेपरेशन में हो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ बस कट रही है, ठीक है। लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं फ्रीडम के साथ, ठीक है। बहुत सारे सॉन्ग्स आए, सजदे, ठीक है, ये भी एक सॉन्ग है, आप लोग सुन सकते हो। तुम ही हो के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं आपको याद करते करते, ठीक है। ये एनर्जी मुझे है, हो सकता है कि आपको डेडिकेट भी करना चाहते हैं, और हो सकता है करते भी हों, ये सॉन्ग भेज देते हों डायरेक्ट आपको, ऐसा भी हो सकता है। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला है आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने भी टाइम लिया हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ही इन्हें मना किया है, आप ही इनसे दूर हो गए थे, तो ये इंसान जो है ना, इन्होंने पेशेंस रखा है, चाहे कोई भी सेपरेशन किसी ने भी किया हो, ये इंसान कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, वक्त को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे भागना नहीं चाह रहे। देन वी हैव माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन बट यू नो वॉट आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। तो हो सकता है कि ईगोइस्टिक बहुत है, ईगो के वजह से भी अपने आप को रोक देते हैं कि नहीं नहीं करना मैसेज, नहीं करना कॉल, नहीं करनी बात, मैं क्यों करूँ, ऐसी एनर्जीज हैं। बट स्टिल ये जानते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। फिर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो इस पर्सन को इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा डिजर्विंग हो, या फिर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, और उनको ऐसा लगता है कि अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक अच्छा लाइफ बिताने के लिए, फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीने के लिए। तो उनको समझ नहीं आता है कि आप इनका लाइफ टाइम साथ दे पाओगे या नहीं, ठीक है। तो इनको डाउट है थोड़ा सा। लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग द पास्ट, न्यू ईयर्स न्यू एक्सपीरियंसेस। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जो है ना, पास्ट को भुला नहीं पा रहे, बार बार इनके दिमाग में पास्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, गाइज तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUWZ से शुरू होता है, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके कनेक्शन के लिए क्या है, उनके चैनल मैसेजेस क्या है, डिटेल में देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, सो बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको फोकस बना कर रखिए। We have the chariot, okay. We have page of coins. We have 7 of wands. We have the lovers. Okay. We have 6 of wands and ace of wands. Wow, that's amazing.
बोर्ड ऑन द डेक से वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो गाइस पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप में से बहुत लोग हो सकते हैं सेपरेशन से गुजर रहे थे और रिसेंटली आपकी रियूनियन हो चुकी है. ठीक है, रिसेंटली आपकी यूनियन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपकी रियूनियन ऑलरेडी हो चुकी है तो. सो यहाँ पर जो साइंस है जो राशियाँ हैं वो है एयर सैन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी फायर सैन एरीज लियो सजिटेरियस अर्स एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन में से वी हैव कैंसर एंड स्कॉर्पियो. ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. सो देखिए सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना पूरी तरीके से रियलाइज़ कर चुके हैं कि उनको आपके साथ मोहब्बत है और वो आपको किसी भी हाल में जो है छोड़ नहीं सकते और किसी भी हाल पर वो आपका लाइफ टाइम साथ निभाएंगे और वो आपसे ही प्यार करते हैं. तो बहुत लोगों के लिए या तो रियूनियन हो चुका है या फिर बहुत जल्द होगा, ये इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं. सो अगर आप अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी तरफ आ रहे हैं. ठीक है, ये कम बैक कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होगा. और अगर अनकन्फेस्ड लव था, यू नो अगर सिचुएशनशिप था, तो ये इंसान बहुत जल्द एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस कर देंगे अपनी फीलिंग्स. ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि दिल से इनको ऐसा एहसास हो चुका है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप हो. ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उनको चेंज किया है, उनको हेल्प किया है, तो वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो. ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है. ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान ना लौट रहे हैं आपकी तरफ अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वगैरह था और कन्फेस कर सकते हैं, बहुत जल्द कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं. अगर आप मैरिड हो तो आपके पास लौट कर मैरिड लाइफ कंटिन्यू करेंगे. पेज ऑफ कॉइंस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, दिल की बात कुछ कहना चाहते हैं. ठीक है, धीरे धीरे से ये इंसान स्टार्ट करेंगे. लेकिन हाँ, अगर सेपरेशन आप सेपरेशन में हो तो ये बहुत सेपरेशन पीरियड बहुत जल्दी आपको ख़त्म होने वाला है या तो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, क्योंकि आप न्यू फेज में एंटर करने वाले हैं. ठीक है, एक फेज आपका ख़त्म हो गया जहाँ पे आपने पेन देखा, आपके पर्सन ने सफ़र किया. ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के पास चले गए थे. ठीक है, किसी और को डेट करने लग गए थे, लेकिन इस पर्सन को पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है अपने गलतियों के बारे में. ओके, सो मुझे दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है. ठीक है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो एक दूसरे के साथ. तो इंसान आएंगे, हो सकते हैं पहले थोड़ा बात करें, फिर चीज़ें आगे बढ़ें, देन जो है कमिट करें या फिर शादी करें, प्रपोज करें, जो भी चीज़ें हैं. बट यस, ये इंसान डेफिनेटली जो है ना आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके रिश्ते में और चाहते हैं कि बस वापस आए तो चीज़ें ठीक हो जाएं. ठीक है, झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और कुछ भी चीज़ें मतलब इस तरीके से ना हो जहाँ पे मतलब चीज़ें ना ख़राब होती जाएं. तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत प्यार करते हैं आपसे, करेंटली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस कैसे ना प्रोसीड करना है चीज़ों को अच्छे लेवल पर, कैसे आगे बढ़ना है आपके साथ और कैसे चीज़ों को एकदम से ठीक कर देना है अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे थे तो. ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं अपने में और उनका से लग रहा है कि फाइनली जो इनका दिल चाहता है ना, इस तरीके से ये इंसान आगे बढ़ पा रहे हैं, आगे चीज़ों को कर पा रहे हैं. ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की रिसेंटली जॉब लगी है. ठीक है, या रिसेंटली हो सकता है कि कुछ अच्छा हुआ है इनके साथ, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना आपको भी वो गुड न्यूज़ देना चाहते हैं. इनके दिल में वो चल रहा है कि कब वो आपको एक्सप्रेस करेंगे गुड न्यूज़ के बारे में, इनके लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों के बारे में. ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्सन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी तो कहीं ना कहीं इस पर्सन रियलाइजेशन मोड पे है कि नहीं, इनको शादी वगैरह नहीं करना चाहिए, इनको आपके साथ प्यार है, इनको आपके पास ही लौटना चाहिए. ठीक है, तो ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही है. जो भी चीज़ है रियलाइजेशन के आगे पीछे घूम रही है. ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है. ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है करंटली. ठीक है, विद द सेवन ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स, ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहते हैं. ठीक है, मुझे दिख रहा है कि पहले हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना बैरियर क्रिएट करते थे, मतलब खुद रोकते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता. हो सकता है खुद ना चीज़ों को अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ाते थे, कभी आपके साथ इमोशनली बात किया तो कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो गए. ओके, बट अब मुझे एनर्जी आ रही है ना, ये खुद मेहनत करना चाहते हैं और खुद चाहते हैं कि ये इतने एफर्ट्स डालें ताकि जो है ना आपका रिश्ता पूरा प्रोटेक्टेड हो जाए, मतलब कोई भी इसमें टांग अड़ा ना पाए, इंटरफेयर ना कर पाए, किसी का इन्फ्लुएंस ना बन पाए या फिर आप दोनों का रिश्ता टूटे ना. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं कुछ लोग. तो डेफिनेटली मुझे एनर्जी आ रही है कि इंसान ऑफिशियल तरीके से जो है ना कमिट करना चाहते हैं, चाहे वो निकाह की तरह हो या फिर पूरे तरीके से आपको प्रॉमिस करने का तरीका हो. ठीक है, तो बहुत लोग हो सकते हैं कि बहुत जल्द आपका इस पर्सन के साथ निकाह वगैरह फिक्स हो जाए. ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है, बट हाँ ये पॉसिबल हो सकता है. ओके, तो मुझे दिख रहा है कि पैशन बहुत है, बहुत फील करते हैं रोमांटिकली भी आपके लिए, करेंटली भी वो एनर्जी चल रही है. ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप में थे ना तो कहीं ना कहीं इनका मन हो रहा है कि ये बस आपके साथ शादी कर लें, बस आपके साथ घर बसा लें. तो मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डालेंगे अब आपको. ठीक है, अगर आप अब तक वेट कर रहे थे, अगर आपको इन्होंने हर्ट किया था
तो जो भी चीज़ें हैं ना, ये इंसान डेफिनेटली जो है अब एफर्ट्स डालेंगे, अब जो है ना आपके रिश्ते के फेवर में, आपके फेवर में ये इंसान जो है एफर्ट्स डालेंगे, चीज़ों को समझ चुके हैं इंसान पूरी तरीके से कि कहाँ पे क्या गलतियाँ थी, किस तरीके से कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए और कहाँ पे इनको सही में एफर्ट्स डालने चाहिए थे। तो उस हिसाब से मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान का इच्छा हो रहा है करने की आपके पास बहुत जल्द लौटे। सो कुछ लोगों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपके लाइफ में लौट सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप जो है इस पर्सन के साथ हैं, फिर भी आप करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं कि सही में इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो करंट फीलिंग्स में मुझे इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ना ये इंसान सक्सेसफुल फील कर रहे हैं हर एक तरीके से। तो मुझे दिख रहा है कि अब जो है ना इंसान पूरी तरीके से आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमोशनली, रोमांटिकली, फिजिकली, ठीक है, फाइनेंशियली, हर एक तरीके से ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक पेनफुल वाला जो फेज था ना, वो आप दोनों के बीच से हट चुका है। एक रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज नंबर 24, द वर्ल्ड नंबर 29। डेफिनेटली बहुत सारे वेज ये इंसान ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आना चाहिए, और इस पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल भी फील कर रहे हैं कि इनको अगर सेपरेशन है तो इनको लग रहा है कि नई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे वेज हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, करना ज़रूर से ज़रूर चाहिए कनेक्शन को ठीक, ओके, क्योंकि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सही में प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ रही है और आपने जो भी इनके लिए किया है ना, उन सारी चीज़ों को अब ये दिल से समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनको नज़र नहीं आता, ठीक है, उनको वो हमेशा के बोलते हैं कि तुमने क्या किया मेरे लिए, लेकिन इस पर्सन को अब जो है ना, मतलब अपने आप से रियलाइज़ हो रहा है, इनको बताना नहीं पड़ रहा है कि देखो मैंने ये किया था तुम्हारे लिए, ओके। सो जो ऑटोमेटिकली होता है ना, उसका वैल्यू कुछ और ही होता है। द वर्ल्ड डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इनको लगा था कि ये वर्क नहीं कर सकता, बट इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे वर्क करे ना करे, लेकिन वर्क करवाना ही है, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, तो इनको ऐसा लग रहा है चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, इनको आपके पास आना ही है, कितना भी टाइम लगे, कितना भी इनको मेहनत करना पड़े, इनको आपके पास आना ही है। एक न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर आप दोनों के रिश्ते का, एक नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आपके रिश्ते को एक बहुत अच्छा नाम देना चाहते हैं। तो ऐसे ही इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है, बहुत जल्दी हो सकता है आपसे मिलने भी आए अगर आप लोग आसपास रहते हो, ठीक है। अगर दूर भी रहते हो तब भी चांसेस हैं कि इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने और आपको बोले सडन डेट के लिए, या फिर हो सकता है कि वो सडनली आपको बोले कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का दिल बहुत कर रहा है आपसे मिलने का, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रही है। चलिए देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। करंट फीलिंग्स इनकी बहुत पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग मुझे नज़र आ रही है। सो अगर आप नेगेटिविटी में हो तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं, कोड डिपेंडेंट मत होइए, एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट हाँ अच्छा अच्छा सोचें, ठीक है। ये एनर्जी बोलूँगी क्योंकि कोड डिपेंडेंट जब हम होते हैं तब हमारी चीज़ें जो हैं और दूर होने लगती हैं। तो कोड डिपेंडेंट मत होना, एक्सपेक्टेशंस मत रखना, बस हाँ ग्रेटिट्यूड शो करें और अच्छा सोचें रिश्ते को लेकर, ओके। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो देखिए अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था, बुरा भला कहा था, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया है कि हाँ उनकी गलती थी, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, एक आप ही थे जिन्होंने पेशेंस रखा था, जिन्होंने मौका दिया था, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, अपने अपने तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें, उससे जो है ना कुछ अजम्पशंस ना लगाएं, उससे कुछ आंसर्स खुद से आप ना क्रिएट करें कि ऐसा था तो ऐसा ही होना था, ठीक है। और जब आप बस एक्सेप्ट कर लेंगे ना और सरेंडर कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते में चेंज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, एकदम से एक्सेलरेट कर जाएगा ये रिश्ता, ठीक है, चाहे ये मैरिड लाइफ हो या फिर एक कनेक्शन क्यों ना हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, उसी फेज पर आप दोनों हों और बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगी इस रिश्ते से रिलेटेड। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस वगैरह देख लेते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन को क्या कहना चाहते हैं। हम नवा मेरे, ठीक है, तो ये एक सॉन्ग है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस इस सॉन्ग में छुपे हो। आई नेवर सेड एंड यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हो सकता है कि इस पर्सन को एक्सप्रेस करने में दिक्कत है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने कभी ढंग से कुछ बोला ही नहीं आपको, खुद कन्फ्यूजन में इन्होंने रखा, तो ये चाहते हैं कि आप बस समझ जाओ इन्हें, ठीक है, इनको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, जो कि इम्पॉसिबल है। यू रियली लव मी ना, ठीक है, तो ये पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार इनके दिल में आ चुका है कि अब ये खुद कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि आपको इतना प्यार है कि नहीं है अब, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये आपको पूछ भी सकते हैं, ठीक है, पहले आपसे निकलवाएंगे कि आप क्या फील करते हो, ठीक है।
फिर हो सकता है कि अपने दिल की बात बोलें, प्लीज़ डोंट हेट मी, देर इज़ सो मच टू से. तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उन्हें हेट ना करो, इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो हो सकती हैं उन्होंने नहीं कही, और बहुत सारी चीज़ें आपको कहना भी चाहते हैं, अपोलॉजी भी चाहते हैं. तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द होगा, कम्युनिकेशन होगा अगर बातचीत बंद है तो. चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं. तो है, आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी. तो देखिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा से ही बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है 3D लाइफ में आप दोनों का साथ. लेकिन अब इनको ऐसा लगता है पॉसिबल हो या ना हो, स्टेबिलिटी रहे ना रहे, इनको आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना ही है, ठीक है, कनेक्शन को जो है आगे बढ़ाना ही है. तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम मुझे सभी बढ़ना कुछ नहीं. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते हैं आपके बिना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको पेशेंस सिखाया था, आपने हो सकता है बहुत सारी चेंजेस भी इनके अंदर लाए हैं, तो उसके लिए इंसान बहुत ग्रेटफुल है. फिर है यू डोंट डिजर्व मी आई एम अ जॉब. तो देखिए कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है इन्होंने, अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ की थी ना तो इनको पूरे तरीके से बहुत पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया. तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान डिजर्व करते हो, आप इनकी तरह डिजर्व नहीं करते हो जो कि बार बार हर्ट करे, आना जाना लगा रहे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं. तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ कि ये इंसान फील कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू. तो सकता है इस पर्सन को कुकिंग बहुत पसंद है, और नहीं भी आता होगा तभी मुझे दिखता है कि आपके साथ ना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्पेशल आपको फील करवाना चाहते हैं ये इंसान अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डालकर. तो ये इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है, ठीक है, ये बस चाहते हैं कि आप उनके पास करीब रहो, ऐसे इनकी एनर्जी इस वक्त चल रही है. सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय.